1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेजी पुलिस एक व्यक्ति की तलाश कर रही थी। इसे देखते हुए उस व्यक्ति ने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उसने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। इसके बाद वह किसी को कभी दिखाई नहीं दिया। 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि जिस विमान से वह युवक जा रहा था वो ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में वह बुरी तरह जल गया। ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उसका निधन हो गया। उसके साथ सवार बाकी लोग भी मारे गए। यह युवक और कोई नहीं आजाद हिंद फौज के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। एक रसूखदार वकील जानकी नाथ और प्रभावती बोस के घर सुभाष का जन्म आज ही के दिन यानी 23 जनवरी को हुआ था। सुभाष अपने माता पिता के 14 बच्चों में 9वीं संतान थे। पढ़ाई में होशियार सुभाष जल्द ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हो गए। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके वह कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे। यहाँ भारत विरोधी बयान देने वाले प्रोफेसर ओटेन से भिड़ गए। टकराव बढ़ा तो वहाँ से निकलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला ले लिया, जिसके बाद 1918 में दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। अपने पिता को दिया वादा पूरा करने के लिए सुभाष सिविल अफसर बनने लंदन पहुँच गए। एग्जाम पास किया और आईसीएस में 4थी रैंक हासिल की। असहयोग आंदोलन से प्रभावित सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वह भारत लौटे। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। चित्रंजन दास के नेतृत्व में काम करते रहे। नेताजी चित्रंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में चित्रंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस को छोड़ अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बना ली। जब चित्रंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिल रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस बीच कलकत्ता के नौजवान छात्र छात्राओं और मजदूरों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र जी को नाम से जानने लगे थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए, जिससे वो यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए और पुराने सदस्यों के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। नए युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे। वे स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो केवल अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद एक था। दोनों ही भारत देश की आजादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, जिन्हें नेताजी ने हरा दिया। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वे काफी दुखी हुए थे। नेताजी ने यह बात जानकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विचारों का मेल न होने की वजह से नेताजी लोगों की नजर में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद ही कांग्रेस छोड़ी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। वे पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे, ताकि अंग्रेजों को ऊपर से दबाव पड़े और वे खुद से देश छोड़कर चले जाए। इस बात का उन्हें बहुत अच्छा असर देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्ते तक उन्होंने ना खाया ना पिया। उनकी बिगड़ती हालात को देखते हुए नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नजरबंद करके रख दिया। इस दौरान 1941 में नेताजी अपने भांजे शिशिर की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले वह बिहार के गोमा गए। वहां से वे पेशेवर जा पहुंचे। इसके बाद वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां वे वहां के शासक एडलफ हिटलर से मिले। राजनीति में आने से पहले नेताजी दुनिया के बहुत से हिस्सों में घूम चुके थे। देश दुनिया की उन्हें अच्छी समझ थी। उन्हें पता था हिटलर और पूरा जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था। ब्रिटिशों से बदला लेने के लिए उन्हें यह कूटनीति सही लगी। और उन्हें दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना उचित लगा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एमिली से शादी कर ली थी, जिनके साथ वह बर्लिन में रहते थे। उनकी एक बेटी भी हुई, अनीता बोस। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़ साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान जा पहुंचे। यहाँ वे मोहन सिंह से मिले, जो उस समय आजाद हिंद फौज के मुखिया थे। नेताजी मोहन सिंह और राज बिहारी बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही नेताजी ने आजाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई। 1944 में नेताजी ने अपनी आजाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। नेताजी इंग्लैंड गए, जहां वे ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष व राजनीतिक मुखिया लोगों से मिले और जाना उन्हें भारत की आजादी और उसके भविष्य के बारे में बातचीत। ब्रिटिशों को उन्होंने काफी हद तक भारत छोड़ने के लिए मना लिया था। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बिठाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। मई 1956 में शाहनवाज कमेटी नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने जापान गई, लेकिन ताइवान ने कोई खास राजनीतिक रिश्ता न होने से उनकी सरकार ने मदद नहीं की। 2006 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और उनकी अस्थियां जो रेनकोजी मंदिर में रखी हुई है वह उनकी नहीं है, लेकिन इस बात को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच और विवाद चल रहा है। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 23 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1664 में शिवाजी के पिता शाहूजी का निधन हुआ था। वहीं साल 1920 में वायु परिवहन और वायु डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। साल 1926 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1973 में अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने वियतनाम शांति समझौते की घोषणा की। यह अमेरिका की तरफ से लड़ा गया सबसे लंबा युद्ध था। युद्ध विराम 27 जनवरी से लागू हुआ था। वहीं साल 1976 में गौतम बुद्ध के लापता शहर कपिलवस्तु को खुदाई के बाद ढूंढा गया था। साल 1989 में तजाकिस्तान में भूकंप में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। आज ही के दिन साल 1977 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की थी। वहीं साल 1997 में मेडलिन अल्ब्राइन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की सरकार में विदेश मंत्री बनी। वे अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी। आज ही के दिन यानी 23 जनवरी को साल 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल को पाकिस्तान की कराची में किडनैप कर उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं साल 2009 में फिल्मों और टीवी प्रोग्रामों पर धूम्रपान के दृश्यों पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।